ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड. ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी. वॉज इट क्लियर टू एवरी वन द एंजाइम इनहिबिटर पार्ट? क्लियर था सबको? स्पीक अप. स्टार्टिंग क्लियर थी? इंट्रोडक्शन बोलो. यस मैम. ओके ओके. सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वाज देयर एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर. इसमें बस यही था कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो एक तरह से आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं एंड दे बाइंड विद द एंजाइम नॉन कोवेलेंटली. और नॉन कोवेलेंटली बाइंड होने की वजह से जो उनमें इंटरेक्शन हैं वो वीक होती हैं एंड दे जस्ट डोंट अंडरगो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन. दे जस्ट इनहिबिट द रिएक्शन विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. और या वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड कर जाएंगे या फिर वो एंजाइम सब्सट्रेट जो कम्प्लेक्स है उसके साथ बाइंड कर सकता है. देन इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में बताया था कि वो इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं एंड जो भी उनमें एक एंड प्रोडक्ट बनता है वो एक इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा. डेट बाय जो भी इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा उसका जो रेट कॉन्स्टेंट है उसको रेट कॉन्स्टेंट उसको इनएक्टिवेशन कॉन्स्टेंट बोलेंगे हम. ठीक है. देन इनएक्टिवेशन कॉन्स्टेंट के बारे में बता दिया था. और इसकी जो कनेटिक्स है वो ऑलमोस्ट ऐसे होती है कि दैट ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट माइकलिस मेंटन कनेटिक्स. ठीक है. तो इसके बाद हम अभी करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर दोज इनहिबिटर्स विच कम्पीट विद द सबस्ट्रेट. वो कम्पीट करेंगे सबस्ट्रेट के साथ कि वो उसी जगह पे बाइंड करे और एट द सेम टाइम वो बाइंड करे एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर. ठीक है. मतलब कि किसी ने फर्स्ट पोजिशन लेनी है तो वो कॉम्पिटिशन करेगा जो भी इनहिबिटर है कि मैंने यहाँ बाइंड करना है, मैंने बाइंड करना है, मैंने पहली पोजीशन लेनी है, मैंने पहली पोजीशन लेनी है, इस हिसाब से. ठीक है. सो एज द नेम सजेस्ट दीज इनहिबिटर्स कंपीट विद द सब्सट्रेट टू बाइंड टू द एंजाइम एंड दे बाइंड टू द एंजाइम एट द सेम टाइम. अगर तो सब्सट्रेट ज्यादा है तो वो ज्यादा बाइंड कर जाएगा, अगर इनहिबिटर ज्यादा है तो इनहिबिटर ज्यादा बाइंड कर जाएगा. ठीक है. मतलब जिसके पास ज्यादा एक तरह से एक सेना है कोई भी, अगर उसकी कंसेंट्रेशन अगर उसके बंदे ज्यादा है सेना के तो वो आर्मी वाले पर्सन जीतेंगे क्योंकि वो ज्यादा है अमाउंट में. अगर कोई 10 है और कोई दूसरा बंदा 100 है तो 100 वाले जीतेंगे ना. 10 तो जिनके पास 10 नंबर ऑफ पर्सन है वो उतना उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होएगा कि वो 100 बंदों को पीछे हटा के अपने आप को साइट के ऊपर बाइंड कर लें. ठीक है. तो इसी हिसाब से इनहिबिटर का काम होता है कि वो कम्पीट करता है. अगर तो वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में है इनहिबिटर सबस्ट्रेट से ज्यादा, ठीक है, तो इनहिबिटर बाइंड करेगा. अगर सबस्ट्रेट आउट नंबर कर जाए इनहिबिटर को तो फिर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. मतलब ये दोनों में आपस में कंपटीशन होता है और इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर कि वो अगर सेम एक्टिव साइट के ऊपर सेम चीज ने बाइंड करना है, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स सिमिलर होनी चाहिए और वो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए या उसकी कंफर्मेशन, उसकी कोई ग्रुप्स, ऐसी सारी चीजें इनहिबिटर की सबस्ट्रेट के साथ सेम होंगी तभी उनमें कंपटीशन होएगा और वो कंपटीशन के बेसिस पे बाइंड करेंगे. ठीक है. सो कंपिटिटिव इनहिबिटर्स दे बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम एंड व्हाट दे डू
नाउ हियर द रोल ऑफ के एम एंड वी मैक्स कम, मतलब कि जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन थी उसमें ऐसा कोई रोल नहीं हो रहा था, बट जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इसमें है क्या कि वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं एंड वो क्या करेंगे, शांत सोलेट, तो ईशांत you are so late, he is still joining. हाँ जी शांत, आप इतने ज्यादा लेट हो, क्या हुआ? इतना लेट तो मैडम होना नहीं चाहिए था. वो. अच्छा, you can even message in the group as well so that I can wait for the lecture to start. ताकि lecture start करने से पहले मैडम पावर ऑफ करके फिर रीस्टार्ट किया फिर चल. चलो ठीक है. ओके आई वाज सेइंग के हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर के बाद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर स्टार्ट किया है. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में यही होता है कि वो सबसेट और इनहिबिटर दोनों आपस में कम्पीट करते हैं एक ही जगह पे बाइंड करने के लिए, कि मैंने बाइंड करना है या मैंने बाइंड करना है. अगर दोनों का स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कुछ भी सेम होगा तभी ये चीज हो सकती है, यही फीजिबल है, तभी पॉसिबल है. ठीक है. और सेकेंडली ये है कि वो इनहिबिटर्स जो हैं वो बाइंड के जब बाइंड करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो अगर तो इनहिबिटर बाइंड कर गया तो वो क्या करेगा, वो सबसेट को बाइंड होने नहीं देगा क्योंकि वो ऑलरेडी बाइंड कर गया. अगर वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में है तो वो बाइंड कर गए, ऑलरेडी बाइंड कर गए हैं तो क्या होगा, वो सबसेट को बाइंड नहीं करने देगा. अब अगर तो सबसेट एंजाइम के साथ बाइंड करता था तभी उसका केएम जो है वो कम होता था ना. ठीक है. अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम की आपस में बहुत इंटरेक्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तभी तो केएम जो है वो कम होता था. लेकिन अब इनहिबिटर यहाँ पे आ गया है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में इंटरेक्शन कम हो गई है ना. तो अगर ये कम हो गया है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, के एम इज इक्वल टू के माइनस वन प्लस के टू ओवर के वन. अगर के वन जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में बाइंड होने का जो पार्ट था अगर वो कम हो गया है तो यहाँ पे के एम ज्यादा ही हो जाएगा, सो दैट हियर के एम बिकम्स मोर. ठीक है. तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है, अगर तो इनहिबिटर बाइंड कर गया तो उसने सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होने देना, तो द के एम इज इंक्रीज इन द केस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, ये याद रखना है और इसको समझ के करना है, रट्टे नहीं मारने कि इसमें के एम ज्यादा है इसमें वी एन एक्स कम है, ये समझ के करना है कि के एम ज्यादा क्यों है. एंड वी मैक्स हेयर इज नॉट चेंज, यहाँ पे वी मैक्स चेंज नहीं होता. हेयर द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, मतलब कि अगर तो सब्सट्रेट ज्यादा हो गया है तो फिर वो हमारे जो इनहिबिटर वाला रिएक्शन है उसको हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं. अगर सेम जो चीज है कि अगर इनहिबिटर ज्यादा है तो सब्सट्रेट नहीं बाइंड होने देगा, अगर हमने अगर हमारे पास ऐसा केस आ गया तो हम क्या करेंगे, इनहिबिटर नहीं हम सब्सट्रेट को इंक्रीज करेंगे सो दैट इनहिबिटर का जो पार्ट है वो रिवर्ट बैक हो जाए, ताकि वो सब्सट्रेट बड़ा ज्यादा हो रहा है वहां पे और वो इनहिबिटर को बाहर निकाले कि अब मैं बहुत ज्यादा अमाउंट में आ चुका हूँ, सब्सट्रेट बोल रहा है अब मैंने बाइंड करना है, अब मैं कम्पीट करूंगा अपनी साइट के लिए. ठीक है. सेकेंडली जो जैसे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में था कि वो एन ई के साथ भी बाइंड करते हैं और वो ई एस के साथ भी बाइंड कर जाते हैं, बट हेयर इन केस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन ई के साथ ही बाइंड करेंगे बट नॉट विद द ई एस कम्प्लेक्स.
बच्चे ये ना दोबारा से ये वाला पैराग्राफ रीड करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे अभी पूछो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला, ठीक है? प्लीज रीड इट अगेन. ठीक है, पढ़ा सबने? पढ़ा कि नहीं? मैं पूछ रही थी कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये सारा आपको समझ में आ गया? इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पैराग्राफ दोबारा पढ़ने के लिए बोला था. केएम का कंसेप्ट समझ में आया? अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहे तो क्या हो रहा है? केएम इंक्रीज हो रहा है. अगर वो जल्दी बाइंड कर जाएंगे तो केएम डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे वो कम्पीट कर रहा है तो यहाँ पे केएम इंक्रीज होएगा. ओके, एंड हियर वीमैक्स इज नॉट चेंज्ड. व्हाई वीमैक्स इज नॉट चेंज्ड? क्योंकि जो ऑलरेडी रिएक्शन हो रहा था वो तो हो रहा है, क्योंकि ईएस, सपोज ईएस ऑलरेडी सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इनहिबिटर बाद में आया, पहले तो एक रिएक्शन चल रहा था ना, मतलब कि कैटालिसिस ऑलरेडी इट वाज गोइंग ऑन, एंड इनहिबिटर बाद में बीच में से घुस गया कहीं से आके. अगर इनहिबिटर यहाँ पे ज्यादा हो गया तो उसने क्या करना है, उसने वीमैक्स को इफेक्ट नहीं करना, मतलब कि जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो तो ऑलरेडी ईएस के बाद जब प्रोडक्ट बन रहा है वो तो अटेन हो ही रही है, दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. बट उसने क्या करना है, अगर इनहिबिटर आ गया उसने ई के साथ बाइंड करना है, बट नॉट विद ई एस. अगर उसने ई के साथ बाइंड कर लिया तो उसने के एम को इफेक्ट करना है, उसको इंक्रीज कर देना है, बट इट विल नॉट अफेक्ट वी मैक्स. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कि वो के एम को इंक्रीज कर देता है बट वी मैक्स इज नॉट चेंज. एंड वाई इट इज नॉट चेंज, दैट शुड बी क्लियर टू यू. रट्टे नहीं मारने, समझ के करना है. अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ. लेकिन किसी ने ये नहीं है कि रट्टे मार दिए कि हमें समझ नहीं आ रहा था. ओके, यस मैम. ठीक है, तो इसके बाद है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव में तो ये है कि जैसे फिगर में शो किया है कि एक ही साइट है, उसी के ऊपर इनहिबिटर ने बाइंड करना है, उसी के ऊपर जो एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है उसने बाइंड करना है. अगर वो ज्यादा होगा दूसरा बाइंड कर जाएगा, अगर इनहिबिटर ज्यादा तो इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा. तो दैट्स जस्ट द सेम कंप्लाइंस. इसके बाद है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं. अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या है, दीज इनहिबिटर बेसिकली बाइंड टू द एंजाइम एट द सेम टाइम एज द एंजाइम सबस्ट्रेट. ये बाइंड तो करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ, बट हियर द बाइंडिंग ऑफ द इफेक्ट इनहिबिटर अफेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड वाइस वर्सा. क्या बोल सकते हैं कि जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसमें ऐसा होता है कि एक एलोस्टेरिक इफेक्ट होता है, जिसको जिसका मतलब होता है कि जो एक साइट बनी हुई है सबस्ट्रेट के बाइंड करने के लिए वो तो है ही है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल. बट देर इज एन अनदर वेबसाइट, मतलब एक अलग अलग जगह बनी हुई है एंजाइम के ऊपर, जहाँ के ऊपर आके इनहिबिटर बाइंड करता है, एंड वहां पे इनहिबिटर ने बाइंड करना है और एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है. ऐसा नहीं है कि इनहिबिटर सबस्ट्रेट की साइट पे आके बाइंड करता है, ठीक है. तो कॉम्पिटिटिव में वो एक ही जगह के ऊपर बाइंड करने के लिए रेडी थे. अब यहाँ पे
एक जगह पे इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, एक जगह पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है. ओके अगर तो इनहिबिटर बाइंड कर गया तो उसने इफेक्ट करना है इस एक्टिव साइट की कंफर्मेशन को कि अब मैं आ चुका हूं, सबस्ट्रेट ना बाइंड करे अच्छे से. या फिर वो बोलेगा, सबस्ट्रेट बोलेगा कि मैं ऑलरेडी अटैच्ड हूँ, अब इनहिबिटर ज्यादा अमाउंट में बाइंड ना करे. ठीक है, दिस वाज़ द कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिटन इन दिस लाइन कि बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर अफेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब कि बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विल अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर. जो भी पहले बाइंड कर गया उसने दूसरे की बाइंड करने की जगह को चेंज कर देना. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इट कैन नॉट बी ओवरकम बट इट कैन बी रिड्यूस्ड अगेन. हाउ? अगर तो हमने सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दी तब ये मतलब इस चीज को हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं. अगर सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन हम नहीं बढ़ाएंगे तो वो वहीं के वहीं रहेगी और वो इनहिबिशन रहेगी और वो इनहिबिटर हटेगा नहीं और उसने प्रोडक्ट को बनने नहीं देना. सो हियर द इनहिबिटर यूजली फॉलोज एन एलोस्टेरिक इफेक्ट. ये एलोस्टेरिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी एक इनहिबिटर है वो किसी डिफरेंट साइट पे बाइंड करे बट नॉट एट द एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड. जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है वहां पे बाइंड नहीं करेगा, ये किसी और जगह पे बाइंड करेगा. तो इस इफेक्ट को एलोस्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं. तो एलोस्टेरिक इफेक्ट में समझा रही थी कि ये जो भी बाइंडिंग होती है इनहिबिटर की एलोस्टेरिक साइट पे, दिस वाज द एक्टिव साइट एंड दिस वाज द एलोस्टेरिक साइट. एंड अगर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर इनहिबिटर बाइंड कर देगा तो वो कंफर्मेशन चेंज कर देगा उस एक्टिव साइट की कि अब वो सबस्ट्रेट के साथ उसकी इनहिबिटी उसकी एफिनिटी अच्छे से ना हो गई. ओके, तो ये है कंसेप्ट अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन का. तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट वेट फॉर अ मिनट. तो समझ में आया सबको कि अनकम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव का डिफरेंस क्या है. ठीक है, यहाँ पे एक एलोस्टेरिक इफेक्ट आता है कि वो इनहिबिटर जो है वो एक एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करता है बट नॉट एट द एक्टिव साइट. एंड उसकी बाइंडिंग के साथ की वजह से क्या होता है कि वो एक्टिव साइट की कंफर्मेशन में चेंज कर देता है सो डेट सबस्ट्रेट और एंजाइम की आपस में इंटरेक्शन ना हो. गॉट इट? यस मैम. यस मैम. सो नेक्स्ट पैरा में ये बताया हुआ है केएम और वीमैक्स का कंसेप्ट. इसमें क्या लिखा है कि जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो बाइंड कर जाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी टू स्टॉप द एंजाइम फ्रॉम रिएक्टिंग विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. इसमें क्या है कि अगर तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है तब भी वो बाइंड कर जाएंगे. कम्पिटिटिव में क्या था, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर बना हुआ है तो वो बाइंड नहीं करेंगे, है ना. तो अगर यहाँ पे एंजाइम अकेला भी है या एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों बने हुए हैं तब भी वो दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे.
थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है आज, बट आई विल मैनेज टू कंप्लीट दिस टॉपिक. दो चार बस मिनट में कंप्लीट हो जाएगा. तो आई वाज सेइंग कि जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो एंजाइम अकेले के साथ भी बाइंड कर जाते हैं, और वो एंजाइम सबस्ट्रेट अगर कम्प्लेक्स पहले से बना हुआ है उसके साथ भी बाइंड कर जाते हैं. तो अब इसमें क्या होएगा? देखो यहाँ पे तो मैंने बोला था कि अगर वो एंजाइम सबस्ट्रेट अकेले के साथ कम्पिटिटिव इनहिबिटर में वो अकेला इनहिबिटर बाइंड करता है तो क्या होता है, सबस्ट्रेट को वो बाइंड नहीं करने देता, और अगर उनकी बाइंडिंग नहीं हो पाती तो KM यहाँ पे इंक्रीज होएगा. बट यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं ऑलरेडी, या तो एंजाइम इनहिबिटर है या एंजाइम सबस्ट्रेट होएगा, तो यहाँ पे Vmax चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है उसने प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है. अगर बाद में इनहिबिटर आ गया तब वो KM को इंक्रीज कर देगा, बट Vmax का जितना भी ऑलरेडी था वैल्यू वो वही सेम रहेगी. लेकिन अगर एंजाइम सबस्ट्रेट बना हुआ है इन केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो उसने क्या करना है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड कर देना है ऑन द एलोस्टेरिक साइड, और अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं किया हुआ तो भी उसने बाइंड कर जाना है. तो अगर वो पहले बाइंड कर गया तो उसने एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में रिएक्ट नहीं होने देना और KM को इंक्रीज कर देना है. ठीक है, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं बन रहे कम्प्लेक्स अच्छे से तो उसने KM को इंक्रीज कर देना है दिस थिंग. और अगर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ है और वो बाद में आके यहाँ पे लग गया है तो उसने क्या करना है, फिर भी एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर देनी है कि उसने प्रोडक्ट नहीं बनने देना. ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट भी नहीं बनने देगा, पहले तो उसने KM को इंक्रीज कर दिया, अब वो प्रोडक्ट नहीं बनने देगा तो क्या होगा, अब क्या होएगा उसमें, Vmax भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि उसकी जो मैक्सिमम उसका रेट ऑफ रिएक्शन है या उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी और वो कम हो जाएगी. ऑफ कोर्स कम होएगी, क्यों कम नहीं होएगी, कम तो होनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बन रहा, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा एंजाइम जो है इनहिबिटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे Vmax कम होएगा. लेकिन नॉन कम्पिटिटिव का जो अगला पार्ट है उसमें बताऊंगी उसमें उसमें क्या होएगा, उसमें अभी बताती हूँ. जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसमें Vmax चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ये भी मैंने आपको बताया रीजनिंग के साथ, रट्टा नहीं मारना, रीजनिंग के साथ बताया है कि क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट अपना बना रहा है, लेकिन जो और एंजाइम्स हैं जो खाली पड़े थे वहां पे आके इनहिबिटर बाइंड कर गया है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ KM को इफेक्ट किया है, उसने Vmax को इफेक्ट नहीं किया. लेकिन इन केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो एंजाइम जो खाली है उसके साथ भी बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है, और अगर एंजाइम सबसे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तब भी इनहिबिटर आ रहा है तब भी उसको इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों तरह से हैम्पर कर रहा है कैटालिसिस की, इसकी वजह से KM इंक्रीज हो रहा है और Vmax डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी उतनी है नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन उतना नहीं बन रहा. एंड आफ्टर दैट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में ये है कि दीज इनहिबिटर्स बाइंड टू द एक्टिव साइट एंड रिड्यूस द एक्टिविटी, बट दे डू नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूट. तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में है कि वो बाइंड करता है एक्टिव के साथ एक्टिव साइट के ऊपर एंड रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी एंजाइम की. ठीक है, बट सब्स्ट्रेट की बाइंडिंग को वो इफेक्ट नहीं करता. इसमें क्या है कि जो एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन है वो डिपेंड करती है अगेन ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्स्ट्रेट, मतलब कि ये कम्पिटिटिव नहीं है, मतलब ये कम्पीट नहीं कर रहा यहाँ पे इनहिबिटर वेब साइट के साथ बाइंड करने के लिए, लेकिन वो बाइंड एक्टिव साइट पे ही करेगा. जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के ऊपर ही बाइंड करेगा एंड रिड्यूस भी कर देगा एक्टिविटी को, बट अगर सब्स्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो अपने आप ही हट जाएगा और वो
क्या करेगा, वो करेगा कि कोई बात नहीं, आप आओ आराम से आके अपना यहाँ पे आके काम करो, मैं तो थोड़ी देर के लिए आया था, मुझे जगह खाली मिल गई, अब मैं चला, क्योंकि अब कंसेंट्रेशन सब्जेक्ट की यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो दीज इनहेबिटर्स माइंड टू सम अदर साइट एंड दे आर बेसिकली दे आर नॉट दोज एक्टिव साइट विच चेंज द फैक्टर ऑफ द एंजाइम, मतलब कि ये ऐसी साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं कि जैसे इसने बताया था नॉन कम्पिटिटिव में कि एक अनकम्पिटिटिव में बताया था एक एलोस्टेरिक साइट है वहां पे बाइंड करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी इनहिबिटर अलग तरह की साइट पे बाइंड करता है, लेकिन उसकी बाइंडिंग सबसेट की बाइंडिंग को इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि क्या होता था अनकम्पिटिटिव में क्या था कि अगर ये बाइंड कर गया तो इसने एंजाइम की बीच में कंफर्मेशनल चेंज ले आना है सो दैट इनहिबिटर बाइंड ना करे, ओके, सो दैट सबस्ट्रेट बाइंड ना करे, या फिर अगर सबस्ट्रेट बड़ा ज्यादा हो गया तो उसने इनहिबिटर नहीं बाइंड होने देना, लेकिन वो कंसेप्ट था अनकम्पिटिटिव में या कम्पिटिटिव में। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव जो है ये इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक्सटेंट है इनहिबिशन का वो डिपेंड करता है कि एंजाइम और ये सब्सट्रेट की कंसेंट्रेशन कितनी है। इनहिबिटर अगर यहाँ पे लग भी गया ना किसी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर या किसी और साइट के ऊपर, तो उसने सब्सट्रेट को अपने एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए रोकना नहीं है, उसको इतना एंजाइम के साथ प्यार नहीं होएगा कि मैं उसके साथ ही अटैच रहूं हमेशा, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होएगा कि मैं एंजाइम और सब्सट्रेट की आपस में जो अफिनिटी है उसको खराब करूं, तो इसलिए ये कम्पीट तो कर रहा है बट इट इज अ नॉन कम्पिटिटिव टाइप कि तुम भाई बाइंड करो, मैं तो वैसे बाइंड किया था अब मैं निकल जाता हूँ, अगर तुम आ गए हो तो मैंने एंजाइम की स्ट्रक्चर को या कंफर्मेशन को कोई चेंज नहीं किया, इसलिए तुम आ गए हो तो तुम बाइंड करो, मुझे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। बट इसमें क्या है, अब अगर एंजाइम सब्सट्रेट आपस में अच्छे से बाइंड कर रहे हैं तो बाइंडिंग एफिनिटी तो केएम बताती है ना, अगर वो इंक्रीज कर गया था, केएम इंक्रीज कर गया था इसका मतलब एंजाइम सब्सट्रेट आपस में बाइंड नहीं कर रहे थे, तो हियर इट मींस कि यहाँ पे केएम नहीं चेंज होएगा क्योंकि इनहिबिटर एंजाइम की सब्सट्रेट के साथ बाइंडिंग को चेंज नहीं कर रहा, अगर वो आ गया तो वो आराम से बाइंड करेगा, अगर वो नहीं आया तो इनहिबिटर बाइंड है ही है, मतलब उसने एंजाइम और सब्सट्रेट की आपस में जो अफिनिटी थी उसको चेंज नहीं किया, इट मीन देयर इज नो चेंज इन केएम बट देयर इज अ डिक्रीज इन वीमैक्स। डिक्रीज क्यों है, क्योंकि जितनी एफिशिएंटली वो एंजाइम काम कर रहा था इनहिबिटर ना होने की वजह से, उतनी एफिशिएंटली वो काम नहीं कर रहा जब इनहिबिटर आ गया, लेकिन केएम नहीं चेंज हो रहा यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब कंसेप्ट को आप अपने आप एक बार पढ़ो कि अनकम्पिटिटिव में क्या होता है, नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है, कम्पिटिटिव में क्या होता है। मैंने आपको एक बार सारा कंसेप्ट और प्रिंसिपल समझा दिया है, ठीक है, इन तीनों का। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन टुमारो, ठीक है। लेकिन आज आपने ये पढ़ना है, मैंने कल पूछना है आपसे कि कम्पिटिटिव अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में क्या चीज डिफर करती है और क्या चीज सेम है, सेम भी है डिफरेंस भी है, लेकिन क्या चीज का डिफरेंस और सेम है वो मैंने कल आपको पूछना है, ठीक है ना। यस मैम। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे से कल डिस्कस कर सकते हो, कल हम यही एक बार से इनहिबिशन या जो भी हमने अब तक इनहिबिटर्स का एंजाइम्स का पोर्शन किया उसके हम रिवीजन करेंगे, इसके बाद मैं आपको बैक से स्टार्ट करना स्टार्ट करूंगी, मतलब के प्रोटीन से या लिपिड से या जो भी न्यूक्लिक एसिड से, नहीं प्रोटीन तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर लेफ्ट, है ना। तो पर डे मैं एक एक टॉपिक आपको रिवाइज करवाऊंगी और फिर आपने अच्छे से आपने उसको रिवाइज करके मेरे साथ डिस्कस करना है,